हाय गाइज, वेलकम बैक टू वेस्टी क्लासेस। और जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पे आपसे पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, राइट? तो यहाँ पे 8 है, 15 है, 29 है, 57 है, 113 है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको नहीं मालूम। तो एक काम ये करते हैं, थोड़ा पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 से 15 कैसे बना होगा? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 16 आया होगा, फिर 1 माइनस कर दिया होगा तो 15 बना होगा। एक ये पैटर्न हो सकता है, लेकिन इसके साथ अगले में भी सेम पैटर्न यही लगना चाहिए। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस करें तो ये 29 बिल्कुल आएगा, और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करें तो ये 58 माइनस 1 57 बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी क्या करेंगे, सीधे 113 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे। तो 2 3 6 2 1 2 2 1 2 माइनस 1 देन यू विल गेट व्हाट, 265। ये एक सेकेंड, 225 नॉट 65, या क्योंकि 2 यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 आएगा और 22 आपका एज इट इज रहेगा। तो 225 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, देख सकते हैं लाइंस ड्रॉ हैं, और यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर, ये 3 तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये 2 तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 9 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 81। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये ए है, डी है, एच है, एफ आई एम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एन आर। तो ए 1 पे आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाए तो हम, ये 4 और ये आपका आएगा 8। तो पहले भाई 3 का डिफरेंस प्लस 3 किया है, यहाँ पे प्लस 4 किया है। तो एफ आता है 6 पे, आई 9 पे, और एम आता है 13 पे। तो भाई प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 4, बस पैटर्न मिल गया। N 14 पे आता है और R 18 पे आता है, तो यहाँ तो प्लस 4 है, तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 11, और 11 पे क्या आता है आपका K। तो ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वेश्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आपके जो काम के कोर्सेज हैं उनको वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, ठीक है, ये दो पैटर्न आपको दिए हुए हैं, तीसरे के बीच में क्या आएगा आपको बताना है। तो एक चीज़ नोटिस करना, जो जितने भी आउटर साइड हैं उनसे ज़्यादा आपका कहाँ है, बीच में। यहाँ भी देखो 167 है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ भी ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। तो ये दो तरीके से बन सकता है, या तो मल्टीप्लाई करके बने कुछ आमने सामने का, या फिर सबका एडिशन हो। तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। तो देखिए 279, 9 to 11, और 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 आपका हो जाएगा 19 कैरी 1, तो 516, 617, 718, हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी सबको जोड़ के आ रहा है। तो भाई ये भी जोड़ के आ रहा होगा पक्का, इसको चेक कर लेना आप। तो यहाँ भी जोड़ के आपका आंसर आएगा, 3 और 1 4, 4 5 9, 3 और 1 4, 5 9, 1 10, हाथ से लगो 1, तो 6 और 1 7, 7 3 10, 11 12 13, हाथ से लगो 1, तो इसी में जुड़ेगा, तो ये 230 हो गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे 121 है, ये कैसे आया होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मिड में वैल्यू ज़्यादा है, हर बार ज़्यादा है, तो वही एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो 15 5 20, 20 9 29, 29 में 92 जोड़ो, 9 2 11 हासिल लगो 1, 9 2 11 और 1 12, 121। अरे वाह, जोड़ के आया भाई यहाँ भी। तो 8 9 17, 17 में 7 जोड़ोगे 23 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, 24 में 56 जोड़ दो, 6 4 10 5 2 7 और 1 8 80। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ भी जोड़ के आएगा क्या, 5 3 8, 8 3 11, 11 6 17, जोड़ के तो नहीं आ रहा भाई, 3 3 9 करके देखते हैं, और 6 5 30, अरे वाह बन गया 39। सेम यहाँ भी होएगा, 4 चक्को 16 और 5 7 35, तो 35 और 16 कितने का, 6 5 11, 3 और 1 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 12 और 5 5 25, तो ये कितना हो गया, 5 2 7 2 और 1 3 37, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा मल्टीपल, तो और भी सबसे कम वैल्यू है, तो आमने सामने अगर ऐड करें तो 6 5 11 और इन दोनों को ऐड करें तो 7 5 12, अरे वाह दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। यही चीज़ यहाँ पर डाके देखते हैं, 7 6 13, 8 6 14, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1।
डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना है, नेगेटिव वन मत लिखे आना, आप डिफरेंस चेक करो। जैसे यहाँ पे 11 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, वन, ऐसे यहाँ पे वन डिफरेंस है, तो 11 और 2 13 हो गया, और 0 और 2 कितना हो गया, 2, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 11। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने इजी लग रहे हैं आपको, एक्चुअली इतने इजी होते नहीं हैं। अभी आपके क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, या आपको पैटर्न पता है, या थोड़ा सा आपको आइडिया है। कभी कभार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें लगता है कि यार ये हो ही नहीं रहे, तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको तीन चार तरीके जिस तरह से पॉसिबल है, जिस तरह के आपने प्रैक्टिस किए हैं, उनको अप्लाई करना है। और उसमें नहीं बन रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तब इन क्वेश्चंस को करना है, अदरवाइज आपका टाइम इसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अगर लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने कई तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किए होंगे जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये है 20, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 4 दो ना 8, 8 और 12 20, ये तो कोई पैटर्न नहीं बना। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 भाई बन गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 जोड़ोगे 90, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ोगे 50, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है भाई, ठीक है, ये भी एक पैटर्न, ये भी एक पैटर्न, और उसके लास्ट में आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, हाँ 12 आ रहा है, सबको जोड़ें, 10 दो 12, 12 तो यहीं बन गया, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हो पाया। 10 और 5 को अगर मैं इन दोनों को, अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं इस 10 में 5 से डिवाइड लगाऊँ तो 2 आएगा, 3 को 2 से गुणा करूँ तो ये 6 आएगा, अब इन दोनों का आपस में गुणा करूँ तो 12, चलो एक तो भिड़ रहा है यहाँ पे, दूसरा वाला भी भिड़ गया, तो यही पैटर्न है। तो भाई यहाँ पे डिवाइड करो, तो 4 तियाँ 12, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, अरे वाह भिड़ गया भाई भिड़ गया। यहाँ पे डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 5 तियाँ 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, ध्यान रखना। तो 3 पंजे 15 और ये 15 में 3 का डिवाइड 5 बार गया, तो 15 को 5 से गुणा कर लो, क्योंकि 5 तियाँ 15 यहाँ पे मिला है, तो 15 पंजे 75, तो ऑप्शन 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 डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक ये पैटर्न है, एक ये पैटर्न है, और एक यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, एक काम करते हैं, 6 बनाएं, 10 और 4 का डिफरेंस 6, अरे वाह, 18 और 10 का डिफरेंस 8, 4 और 18 का डिफरेंस 14, ठीक है भाई ये यहाँ भी होगा, 14 में से 8 गया 6, 22 में से 14 गया 8 और 22 में से 8 गया, हाँ 14, ठीक है। 15 और 11 का डिफरेंस 4 है, और 11 में से 5 गया 6, तो 15 में से 5 गया 10, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेश्री क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।